के लोग सच्चे लोकतंत्र को तरस रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन देश में ठीक से नहीं हो रहा है। अमीर अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब गरीब बनते जा रहे हैं। खेत की जमीन, उसका कोई मालिक कैसे हो सकता है? प्राकृतिक संसाधन, कोयले की खान, पत्थर की खान और तराम तरम की तरह की खनिज पदार्थों की खाने, जंगल से होने वाला उत्खनन, नदियों से होने वाला उत्खनन, पर्वत से होने वाला उत्खनन, जहाँ से लाखों करोड़ अरबों खरबों रुपया पैदा होता है, उसका मालिक चंद लोग कैसे हो सकते हैं? क्या कोई माँ के पेट से लेकर जमीन को पैदा होता है, या नदियों और पर्वतों को कोई माँ के पेट से लेकर पैदा होता है? जी। इन सब का मालिक देश की सरकार को होना चाहिए, और उससे होने वाले जो उससे पैदा होता है धन जी। या रिसोर्सेज जितने भी हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ताकि एक सच्चा लोकतंत्र हो। सच्चा लोकतंत्र का मतलब सरकार किसी एक की नहीं है और वहाँ असमानता के लिए कोई स्थान नहीं है। सच्चे लोकतंत्र में तो सभी के लिए सरकार को, सभी का विकास समान रूप से हो, सबको एक जैसी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिले, प्राकृतिक संसाधनों में सबका हिस्सा हो, पूरा देश तरक्की करे तो हर व्यक्ति के हिस्से में तरक्की का हिस्सा आए। अगर चंद लोग तरक्की करते चले जाएँ, बहुत बड़ी मात्रा में लोग पिछड़ते चले जाएँ, गरीब होते चले जाएँ, इससे साफ संदेश जाता है कि हमारे यहाँ सच्चा लोकतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, हमारे यहाँ चंद लोग सारे संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं, जो बिल्कुल इल्लीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अलोकतांत्रिक है। नरेंद्र जी, एक बात बताइए, आपने बहुत सारे काम करे हैं जब से आप दिल्ली सरकार में आए हैं, तो बहुत सारे कार्यों को फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं लोग, क्योंकि वो लोगों की नॉलेज तक नहीं पहुंच पाते हैं, थोड़ा जो आपने कार्य करे हैं और जो उनके बारे में उजागर करें। देखिए, हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी काम करें पब्लिक तक पहुँचे। जी, उसका प्रचार नहीं हो पाता है, लोगों की जानकारी में नहीं आ पाता है, लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते, तो उसके फ़ायदे के लिए थोड़ा सा बताएं कि आपने जो जो काम करें वो थोड़ा सा ब्रीफ करें। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अखबारों में ऐड निकलते हैं जी, कई जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं जी, लोग जा रहे निकले भी वो सब नज़र मारते हैं, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते मेजोरिटी में लोग नहीं पढ़ते जी। अखबार लोग पढ़ते हैं तो जैसे ही कोई ऐड आता है उस ऐड के पेज को पलट देते हैं जी, तो लोग ऐड को भी नहीं पढ़ते। तो सरकारें प्रचार करने का कोशिश करती है, लेकिन प्रचार आम लोगों तक, जिनके लिए योजनाएं बन रही हैं, गरीब लोगों के लिए, अमीर तो पढ़ के उसका लाभ उठा लेंगे जी, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो ऐड भी नहीं पढ़ते, बहुत से लोग हैं तो उनके अखबार भी नहीं आता। आपके अपने शासन काल में आए हुए उन योजनाओं के बारे में बताएं जो आपने अपने टाइम में करवाई है। वही मैं बता रहा हूँ आपको जी। लेकिन मैंने जो योजनाएं बनाई हैं, जैसे मैंने एक योजना बनाई कि भाई गरीब बच्चे बड़े बड़े ख्वाब तो देख सकते हैं लेकिन साकार नहीं कर सकते जी। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए वो साकार हो सके उनके ख्वाब जी। उसके लिए हमने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाई जी, जिसमें जो एससी एसटी के जो बच्चे हैं वो सिविल सर्विसेज करके आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, जुडिशरी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल में जाना चाहते हैं, लेकिन ग्रुप ए ग्रुप बी की सर्विस में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है कि वो कोचिंग ले सके। और आजकल एग्ज़ाम इस तरह से डिज़ाइन होता है कि वो जो लोग कोचिंग करते हैं वही उस एग्ज़ाम को पास कर पाते हैं जी। उनके लिए हमने एक योजना बनाई जिसको नाम दिया जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। दिल्ली के बहुत सारे रेपुटेड इंस्टीट्यूट हमारे पैनल पर हैं, जो जहाँ पर हमारे बच्चे कोचिंग ले रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। तो हमने भी जब शुरुआत की तो ऐड अखबार में भी दिया, होर्डिंग भी लगे, और लेकिन लोग उस मात्रा में नहीं आए। तो हमने अपनी 500 लोगों की हमारी टीम है उसको हमने कॉलोनियों में भेजा, जो गरीब बस्तियां उसमें भेजा, छोटी छोटी सभाएं की, और सभाओं के माध्यम से लोगों को बताया। तो अभी कुछ ही महीने के अंदर करीब 3100 कुछ एडमिशन हो गए, तो वो पब्लिक के बीच जाने से। अभी सीवर की सफाई के लिए मशीनों का हमने सोचा भाई मशीन सरकार को ज़रूरत है जी, और टेंडर्स होंगे, और अभी तक सब पैसे वाले ही सारे टेंडर लेके बैठ जाते हैं। तो हमारा ध्यान इस तरफ था, जो लोग सफाई के काम से जुड़े हैं जी, या जो छोटे मोटे काम करते हैं, जो मजदूरी तबका है, क्या वो लोग भी कभी इस टेंडर लेने में हिस्सा ले सकते हैं? क्या उनको भी किसी काम का ठेका मिल सकता है? तो हमने ऐसी 200 मशीन खरीदने का, जब सरकार ने कहा कि 200 मशीन के लिए टेंडर करना है, तो हमने सरकार में कहा कि आप क्यों ना ऐसा करें कि जो लोग उस काम से जुड़े उन्हीं को टेंडर दे दें। बिल्कुल ठीक है। तो टेंडर निकाला गया, लोगों ने अप्लाई किया, 200 लोगों को टेंडर मिला, सीवर सफाई की मशीनें खरीद रहे हैं,
और उनको बैंक से हमने फिर लोन भी दिलवाया और वो पहले उसका प्रचार कॉलोनी में हुआ कि अखबार में निकला आप लोग अप्लाई करो, क्योंकि आम गरीब तो जानता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं उस हद तक न्यूज़ को। फिर उन लोगों को मदद की कि कैसे टेंडर भरा जाएगा, सारी सूचना दी उनको, सारे पेपर तैयार करवाए और लोगों ने उसमें अप्लाई किया। और मुझे खुशी है कि हमने केवल उनकी थोड़ी सी मदद की लेकिन आज 200 लोगों को टेंडर मिल गया और 1.5 महीने के अंदर लगभग सीवर साफ करने की मशीनें जो पतली गलियों में भी जा पाएंगी, ऐसी मशीनें तैयार होकर आने वाली हैं और उन मशीनों का मालिक वो लोग बनेंगे जो कभी ख्वाब में नहीं सोच सकते थे कि वो किसी 35-40 लाख की मशीन के मालिक बन सकते हैं। 7 साल का उन्हें टेंडर दिल्ली जल बोर्ड ने दिया, मैंने केवल उसमें मदद करने का काम किया, बाकी स्कीम जल बोर्ड ने बनाई, जल बोर्ड ने टेंडर निकाला, अखबार में निकला, लोगों को सिर्फ मैंने सूचना दी कि आप अप्लाई करें, ये निकला हुआ है और कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे पेपर तैयार होंगे, बैंक से बात करके उनको लोन उपलब्ध कैसे हो, उसमें सारी मदद मैंने और कुछ और साथियों ने और डिक्की की मदद से हमने कोशिश की। लेकिन मुझे खुशी है कि अब उनको टेंडर मिल गया, मशीन आने वाली है और अगले महीने से मशीन आने के बाद एक बड़ा आयोजन करेंगे, लॉन्च करेंगे स्कीम को और फिर उन लोगों के घर में सम्मानजनक पैसा आने लगेगा। तो ये भी चूँकि पब्लिक के पास गए मीटिंग के लिए छोटी छोटी तो लोग कर पाए, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ ये दो योजना, तीसरी स्कॉलरशिप हमारी चली रही है, चौथी अभी हम लोग अम्बेडकर जयंती, वाल्मीकि जयंती, रविदास जयंती मनाने के लिए उनको टेंट, साउंड सिस्टम, लाइट, सोफ़ा, कुर्सी, मैट वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। तो उसका भी हमने कॉलोनियों में मीटिंगें की और सोशल मीडिया पे वो किया, अखबार में दिया, तो उसमें बड़ी मात्रा में लोगों को सूचना मिली, लोग अप्लाई कर रहे हैं। वाल्मीकि जयंती पर बहुत सारी संस्थाओं को ये सारी चीज़ मिलेंगी, सॉरी, तो लोग उसका लाभ उठाएंगे। तो ये मुझे लगता है केवल अखबार में देते तो शायद लोग नहीं आते, लोगों को जाने से ही सब हो पाया।